तो प्यारे साथी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेतन स्टडी पर। और जैसे कि आपको अवगत है कि डीलेट 2021 बैच के लिए जो आवेदन थे उनका जो रैंक है, ठीक है, वो मिल चुका होगा उनको, रिजल्ट जो है उसका आ चुका होगा। और यहाँ पर जो है इसमें अब काउंसलिंग होने को है, ठीक है। इसमें काउंसलिंग की जो डेट है वो दे रखी है यहाँ पर 22 सितंबर 2021 को से लेकर के 24 सितंबर 2021 तक आपकी रैंक 1 से लेकर के 30,000 तक होगी। और जो संस्था आवंटित होने की, जो प्रकाशित होने की जो डेट है वो 25 सितंबर 2020 होगी, ठीक है। और इसमें आगे बोला है कि 25 से लेकर के 27 सितंबर तक की जो रैंक है, यानी कि 30,000 से लेकर 1,00,000 तक की, एवं इसमें ये भी कहा है कि क्रम संख्या एक में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम संख्या एक में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, ठीक है, इनके प्रकाशित होने की तिथि है 28 सितंबर 2021। और इसकी आगे जो भी रैंक रह जाएगी फिर वो होगी यहाँ पे 28 से 30 सितंबर के बीच में उनकी काउंसलिंग, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें की क्रम संख्या एक और दो में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है और जिनकी रैंक 1,00,000 से लास्ट तक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अपनी काउंसलिंग करा सकेंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि जो भी भाई डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ होने को है डाइट में या संबंधित कॉलेज में आपका, तो वो होगा 27 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021 तक। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अवगत कर दूँ कि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है डीएलएड ऑलरेडी किया हुआ हूँ 2018 बैच से, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि मुझे इस बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी हो नए अभ्यर्थियों के मुकाबले। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपको जो है किस किस तरीके से अपना जो भी काउंसलिंग है वो करनी है। और साथ ही साथ जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डाइट में पहुँचेंगे या प्राइवेट कॉलेज में पहुँचेंगे तब आपको वहाँ पर कौन कौन से अपने दस्तावेज ले जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है कि कुछ संस्थान जो होते हैं डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, तो उस संबंध में मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊँगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो उसमें लिखा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतनी ही जानकारी, बाकी आप अपना जो भी है, ठीक है, काउंसलिंग को पूरा कीजिए और जो फीस वगैरह जो भी कुछ है भाई उसको अपना सबमिट कीजिए, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी, चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डीएलएड से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो सभी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।